are watching NTTV News, News Telangana Television. Citizens Amendment Act, our latest jo laya so National Population Register, wo decision ka upar unnecessarily Congress party se leke opposition MIM, TRS, TMC se leke baki jo bhi मोदी साहब का लीडरशिप को विरोध करता है पॉलिटिकल मुद्दा बना के शांति और अमन बरकरार रखने का जगह इतना अफवाह फैला के गलत इन्फॉर्मेशन दे के पोलिटिकल सियासती फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। कंट्री इंटरेस्ट में आपको सियासती करना इस मुद्दे से मत करिए, आपका अच्छा काम से करिए, आपका लोकेलिटी को ठीक करिए, साफ़ सुथरा रखिए, भारत स्वच्छता प्रोग्राम में जुड़ जाइए, हेल्थ एरिया आपका इलेक्टेड एरिया में रोड्स कैसा है, जमीन वो सब उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ऐसा इमोशनल करके हमारा गंगा जमुना का तहजीब है, हैदराबाद बोले तो मिनी इंडिया, ऐसा चीज़ों में KCR साहब के पास जाना, हम 30 तारीख को महात्मा गांधी का पुण्यतिथि पर ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए करेंगे। इतना अच्छा काम हो रहा है, ट्रिपल तलाक का लागू हुआ कोई, और 370 आर्टिकल को रिमूव करके वहाँ पर शांति और अमन बरकरार रखने का, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का प्रयास वो गलत किया क्या, अयोध्या मसला ये भी सॉल्व किया, और कोई भी कंट्री में उसमें पॉपुलेशन फिर KCR साहब क्यों किया, सब सकल जनला सर्वे किया, इंटी सर्वे किया, घर घर को सर्वे किया, उसमें क्या है, कोई भी गवर्नमेंट अच्छा कोई भी स्कीम वेलफेयर स्कीम्स को आखिरी वेलफेयर जो भी होता है आखिरी जो बेनिफिशियर होता है सेंट्रल स्कीम्स बहुत अच्छा आ रहा है। एक तो एक होना है ना, एक रजिस्टर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है नेशंस का, वो UPA करे सो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, UPA गवर्नमेंट भी 2010 में लागू किया उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ ये गलत है, ये CAA भी गलत है, ये सब गलत है, गलत नज़र से देखे तो गलत ही दिखता, देश का नज़र से देखे सो अच्छा दिखता, ये हमारा अपील है, ऐसा मत करिए जो भी है। इसलिए BJP अपील कर रहे सभी इंटेलिजेंसिया यूथ स्टूडेंट सबको, आप इस जो भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन अपोजिशन इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, अपना पार्टी को पहले ठीक रखो, सिद्धांतों को, इतना सब गलत हो गया, जिसके पास पैसे है वो टिकट का क्या गया सब मालूम है, लास्ट इलेक्शन में आप बेसिक मुद्दों से बेसिक मूल्यों से हट गए थे कांग्रेस पार्टी, आज सिर्फ एक ही जलसी है नरेंद्र मोदी जैसा एक बैकवर्ड क्लास से आके टी स्टॉल तो दूसरी बार प्रधानमंत्री करके विश्व भर नेता उभर के आ रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए सब कुछ हो। इंडिया में ही बोल रहा हूँ, इंडिया में भी जामिया का वाइस चांसलर भी अपील किया, दिल्ली का इमाम भी अपील किया, और मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी अपील किया, सभी लोग कर रहे हैं सभी भाई, एक सिर्फ हैदराबाद नहीं, हैदराबाद से लेकर सब जगह ये सब मिलजुल के रहने का हमारा, जब भी हिंदू मुस्लिम सभी लोग कितना लोग सेक्रीफाइस किए, मुस्लिम्स में भी देश के हित में बहुत सारा काम किया, हिंदूज में किया, क्रिश्चियंस में किया, सिख में किया, आज उद्धम सिंह जी का ये है ना जो भी है वो जनरल डायर वहाँ पे डायर को ये किया ना वहाँ पे जलियन वाला बाग का इंसिडेंट हुआ, आज ऐसा देशभक्ति कितना बहुत सारा लोग हर कम्युनिटी में है, इसलिए उन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ, उस चीज़ वो नेशनल स्पिरिट से देखो बोल के बोल, वो तो वोट कर दिया ना सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट को, तो सपोर्ट किया, NRC आया जब देखेंगे वो NRC के बारे में वो भी क्लियर कर दिया ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री, उस समय बात में सबसे चर्चा करेंगे, देश का हित में ही कदम लेंगे, देश द्रोहों का हितों में कदम नहीं लेंगे, जो भी देश में जो इच्छा आया जो कुछ करेंगे ऐसा नहीं, वैसा लोगों के लिए कभी भी कानून लागू करना ही पड़ता, हमारा घर में घुस के हमारा सब जो कुछ प्रॉपर्टी हम लेके जाए तो आप अच्छा शांति रहिए, रहता अपना देश एक घर है।